देखिए, ये मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की खूबी ये थी कि लोग अगर सरकार कोई चीज गलत करे तो अपोजिशन को हक होता था उस पर बात करने का, लेकिन अब अपोजिशन से ये बात सरकार ने छीन ली है। इस मुल्क में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है, आप मानो या न मानो। जो आदमी किसी चोर पे बात करे, जो चोर इस मुल्क में खरबों रुपए लूट के भाग गए, अगर कोई आदमी उस पे उंगली उठाता है तो उनको उनके ऊपर केस डाले जाते हैं। तो हम यही कहेंगे, बीजेपी और आरएसएस ने इस मुल्क को भी तबाह किया और इस जम्मू कश्मीर की रियासत को भी तबाह किया। इस जम्मू कश्मीर की रियासत में भी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है। 5 अगस्त 2019 को इन्होंने यहाँ से स्टेट का हमारा दर्जा छीना, यूटी बनाया, अब यहाँ पे इलेक्शन भी नहीं हो रहे हैं। तो यही कहेंगे, चाहे मुल्क में हो चाहे रियासत में हो, यहाँ पे आदमी बोल नहीं सकता है। और इस बोलने न बोलने के प्रदर्शन में हम आज बैठे हैं काला कपड़ा लगा के। यहाँ खाली बीजेपी वाले बोल सकते हैं, आरएसएस वाले बोल सकते हैं, कांग्रेस पार्टी या दूसरी अपोजिशन नहीं बोल सकती है। अगर बोलेंगे तो उनके ऊपर केस लगते हैं, उनको पार्लियामेंट में भी बोलने दिया जा रहा है, उनके माइकें बंद होती है, मीडिया एक तरफा चल रहा है, मीडिया जो है गोदी मीडिया बीजेपी आरएसएस की तरफ चलता है, अपोजिशन की आवाज नहीं उठाता है। यही हम आज यहाँ पे बोलना चाहते हैं। राहुल जी का केस जो है सब जुडिशियस है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि वो कोर्ट का मामला कोर्ट ही निभाएगा। लेकिन जो मुल्क में इस वक्त चल रहा है वो लोगों को पूरा पता है, लोग हर चीज जानते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे काला कपड़ा लगा के आज धरने में बैठे हैं। राइट टू स्पीक जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बोलने की इजाजत दी थी, बोलने की पावर दी थी, वो भी आज लोगों से छीनी जा रही है। थैंक यू वेरी मच।